तो चलिए दोस्तों, कुछ कंसेप्ट मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। लेट सपोज कि हम यहाँ पर एक सिलॉजिज्म का स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स मान लीजिए है ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सम बी आर सी, उसके बाद ओनली अ फ्यू सी आर डी, अगर आपको ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि थोड़े से ए जो हैं सिर्फ वही बी होंगे। मतलब सम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सम ए आर बी को हम ऐसा बनाते हैं ना, सम ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी अगर बोलेगा तो बस ये वाले पोर्शन पे आपको ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ड्रॉ कर कैसे करते हैं। अब यहां पर हमने बना लिया ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब बोल रहा है सम बी आर सी, मतलब थोड़े से बी जो हैं वो सी हैं, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है ओनली अ फ्यू सी आर डी, सिर्फ थोड़े से सी जो हैं वही डी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप डायग्राम ऐसा बनाओगे ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा ओनली अ फ्यू वाला केस है, कौन सा, ठीक है, ओनली अ फ्यू वाला केस है। धीरज जी बिल्कुल, क्लास के बाद में सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आपको यहां पर एक चीज समझ में आ जाता है भाई कि ओनली अ फ्यू वाला केस कैसे बन रहा है, ये चीज समझ में आ जा रही है भाई कि यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो एक इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं चीज, वैसे तो ऑलरेडी प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा क्योंकि बार बार क्लासेस में मैं बताते रहता हूं। अगर आपको कंक्लूजन में दिया है, ठीक है, मैं दो कंक्लूजन देता हूं आप लोगों को, आप बताइएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको बोल रहे ना ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो हमेशा याद रखिए कि पहले वाला ए जो है ये दूसरे वाले के अंदर पूरा पूरा नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज, बाद वाला जो भी होगा वो पूरा का पूरा इसके अंदर जा सकता है। ये चीज को बस आपको याद रखना है ओनली अ फ्यू वाले में जो क्वेश्चंस आते हैं, 50% आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बस इसको याद रखिएगा, जब भी ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है, पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा, मतलब ये देखो ऑल All A can be B is a possibility. क्या पूरे के पूरे A B के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला था, Only a few B R C, अगर मतलब मान लो ये वाला कंडीशन जो है ना ये दिया हुआ है, All D can be C is a possibility. इसमें क्या पूछा है आपको, Only a few C R D में से बोल रहा है कि क्या पूरा का पूरा D जो है वो C के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, मतलब सेकेंड वाला फॉलो करेगा। तो ये चीज को हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, समझ में आया सभी को, बस यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों ओनली अ फ्यू का, जो ज्यादातर स्टूडेंट जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम, पहले तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा।
और ऐसा क्यों होता है जो मैंने अभी बताया वो भी मैं बताऊंगा, वेट करिएगा, आखिरी में बताऊंगा उसको मैं। रिपीट करेंगे बिल्कुल मेघा जी, वेट करिए, रिपीट होगा। पहले क्वेश्चंस बना लेते हैं चार पांच, उसके बाद मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा उसको अच्छे से, और ऐसा क्यों होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर सिटीज, बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू मतलब थोड़े से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो क्या हैं, सिटीज हैं। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा था, ऑल सिटीज आर स्टेट्स, पूरे के पूरे जो सिटीज हैं ये स्टेट्स हैं। आगे आपको बोल रहा है ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कंट्रीज, मतलब सिर्फ थोड़े से स्टेट्स जो होंगे वही कंट्रीज हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है नो कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कंट्रीज जो है ये कॉन्टिनेंट नहीं है, नो कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट, तो ये ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है, सम सिटीज कैन बी कंट्रीज, सम सिटीज कैन बी कंट्रीज, क्या थोड़ी सी सिटीज जो हैं वो कंट्रीज हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, अगर ये सिटी को हम बड़ा बना देते हैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहां तक ऐसा, तो कंट्रीज के अंदर चला जाता ना वो, मतलब कि ट्रू। दूसरे में क्या बोल रहा है, नो डिस्ट्रिक्ट आर कॉन्टिनेंट्स, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्टिनेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इन दोनों के बीच में क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, मतलब गलत हो सकता था। अगर मैं इस ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है इसके सर्कल को मैं ऐसे बड़ा बनाकर ऐसे कॉन्टिनेंट के अंदर टच कर देता तो हो जाता ना, क्योंकि क्रॉस का साइन तो लगा नहीं है भाई। क्रॉस का साइन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कॉन्टिनेंट है ये इतने सर्कल को टच नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। बट अगर आपको बोल रहा है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्टिनेंट में नहीं जा सकता तो ये तो गलत है ना भाई, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं है। आप इसको बड़ा सर्कल बना के ऐसे इसको टच कर सकते थे, तो इसीलिए वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ओनली वन फॉलो कर रहा है पहले वाले का, दूसरे वाले का बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर। बोथ देख लेते हैं, ऑल बैग्स आर सूटकेस, बोल रहा है कि पूरे के पूरे जो बैग्स हैं वो सूटकेस हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है ओनली अ फ्यू सूटकेस आर ट्रॉली बैग्स, सिर्फ थोड़े से सूटकेस जो हैं वो ट्रॉली बैग्स हैं। आगे आपको बोल रहा है नो ट्रॉली बैग आर बैकपैक्स, ठीक है, नो ट्रॉली बैग आर बैकपैक्स। आगे आपको बोल रहा था ओनली अ फ्यू बैकपैक्स आर साइड बैग्स, मतलब सिर्फ थोड़े से बैकपैक जो होंगे वही साइड बैग्स होंगे। तो ये आपका इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब करना क्या है दोस्तों, ऑल बैग कैन बी ट्रॉली बैग, क्या पूरे के पूरे बैग जो हैं वो ट्रॉली बैग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ट्रू। कैसे भाई, ये जो ओनली अ फ्यू वाला केस आपको बोला गया था इसी को मैं ऐसे यहां तक भी तो ऐसे बना सकता था ना, मतलब थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के बाकी पूरे में मैं बना देता। ओनली अ फ्यू क्या था, सूटकेस आर ट्रॉली, ओनली अ फ्यू सूटकेस आर ट्रॉली को मैं ऐसे ये ट्रॉली वाला जो है पूरा बैग को ऐसे अंदर करते हुए भी तो बना सकता था ना, तो इसलिए ये सही हो गया। सम सूटकेस आर नॉट बैकपैक्स, सम सूटकेस आर नॉट बैकपैक्स, तो ये भी ट्रू होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा सूटकेस, ये देखो ये पूरा सूटकेस था, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये तो कभी भी बैकपैक के अंदर नहीं जाएगा ना भाई, ये देखो क्रॉस का साइन लगा हुआ है कि ये सर्कल इसमें नहीं टच हो सकता, तो सूटकेस का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर नहीं जा सकता, वही तो बोल रहा है सम सूटकेस आर नॉट बैकपैक, सही तो बोल रहा है, मतलब ट्रू, तो बोथ फॉलो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए।
कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है. चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है. नो शूज आर सॉक्स, कोई भी शूज जो है, नो शू आर सॉक्स, कोई भी शू जो है वो सॉक्स नहीं है. ठीक है, आगे बोल रहा है आपको ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल्स, सिर्फ थोड़े से सॉक्स जो होंगे वही सैंडल्स होंगे. आगे आपको बोल रहा है ऑल सैंडल्स आर स्लीपर्स, पूरे के पूरे जो सैंडल्स हैं वो स्लीपर्स हैं. आगे आपको बोल रहा है ऑल स्लीपर्स आर शू लेसेस, तो पूरे के पूरे जो स्लीपर्स हैं ये शू लेसेस हैं, तो यहां पर लेस लिख देते हैं. ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको क्या बोल रहा था, नो शूज आर स्लीपर्स, कोई भी शूज जो है वो स्लीपर्स नहीं होगा. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, नो शू आर स्लीपर्स, कोई भी शू स्लीपर नहीं है बोल रहा है. आप देखो कि शू कहां नहीं जा सकता, शू सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में नहीं जा सकता, स्लीपर के अंदर यहां पर तो आ सकता था, मतलब गलत, क्योंकि वो बोल रहा है कि नहीं होगा, हम बोल रहे हैं भाई आ सकता है यहां पर. अब इसमें देखो, सम सॉक्स आर नॉट सैंडल्स, सम सॉक्स आर नॉट सैंडल्स, सम सॉक्स आर नॉट सैंडल्स, क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा. कैसे? देखिए दोस्तों, जब आपको बोला है ना यहां पर ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल्स, ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल का मतलब क्या होता है, इस मतलब को समझिए. जो मैंने बोला था ना कि आखिरी में समझाऊंगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, तो वो यही चीज है. यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल्स में से ये वाला इसके अंदर पूरा का पूरा जा नहीं सकता, लेकिन ये वाला इसके अंदर पूरा जा सकता है. ठीक है, ऐसी मैंने बताया था आपको शुरुआत में. जब भी ओनली अ फ्यू का केस दिखेगा आपको, तो जो पहले लिखा हुआ है वो दूसरे वाले के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको बोल रहा है जैसे ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि ओनली अ फ्यू ये सॉक्स है. आपको बोल रहा है कि जितने भी सॉक्स थे उसमें से सिर्फ कुछ सॉक्स जो हैं वो सैंडल्स हैं, पूरे नहीं है. और पूरे नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, थोड़े से ऐसे थे जो नहीं है. समझ में आया? मतलब इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, इस डायग्राम को जो हम ऐसा बनाते हैं ना भाई, कि ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल्स, जैसे कि हमने यहां पर बनाया हुआ है ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल्स, सॉक्स का थोड़ा सा पोर्शन सैंडल के अंदर है, तो इसका एक और डायग्राम भी बनता है. वो डायग्राम क्या होता है कि थोड़े से सॉक्स सैंडल नहीं होंगे. लेकिन आपको ऐसा डायग्राम जो है बनाना नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए बनाते हैं हम, ऐसा चेक करने के लिए आपको ये यूज करना है, इसको बनाना नहीं है. बनाओगे तो गलत हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज होगे उसमें, तो ऐसा बनाना नहीं है. ठीक है, तो क्या बोला था, सम सॉक्स आर नॉट सैंडल, बोल रहा है सम सॉक्स मतलब थोड़े से सॉक्स ऐसे हैं जो सैंडल नहीं है. बिल्कुल सही भाई, एटलीस्ट सॉक्स का थोड़ा सा पोर्शन होगा जो सैंडल के अंदर नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू सॉक्स आर सैंडल बोला था. ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं दोस्तों, ओनली टू फॉलो, बोथ फॉलो, ओनली वन फॉलो. चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, पहले वाले का आंसर दीजिए. देखिए पहले में बोल रहा है ओनली अ फ्यू ब्लैक इज येल्लो, ओनली अ फ्यू ब्लैक मतलब सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक जो होगा वही येल्लो होगा, ओनली अ फ्यू येल्लो इज ग्रीन मतलब थोड़ा सा येल्लो जो होगा वही ग्रीन होगा, ऑल ग्रीन इज पिंक पूरा का पूरा ग्रीन जो है वो पिंक है. अब देखिए ऑल येल्लो बींग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा येल्लो जो है वो पिंक हो सकता है? क्या पूरा येल्लो पिंक के अंदर जा सकता है? भाई बिल्कुल जा सकता है भाई, पूरा येल्लो ग्रीन के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पिंक के अंदर तो जा सकता है ना भाई. ये देखो, ये पिंक के सर्कल को मैं ऐसा बना दूंगा बड़ा, तो हो जाएगा ना वो अंदर,
इसलिए सही है। सम ब्लैक इज नॉट येल्लो, बोल रहा है थोड़ा सा ब्लैक जो है वो येल्लो नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। क्यों, अभी जस्ट बताया था देखो, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज येल्लो, इसका मतलब क्या है, थोड़े से ब्लैक ऐसे भी हैं जो येल्लो नहीं है, तो वही तो बोल रही है सम ब्लैक इज नॉट येल्लो, तो बोथ ट्रू आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड वाले का बताइए भाई जल्दी से, सेकंड वाले का जल्दी से बताइए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, ओनली अ फ्यू, सॉरी ये वाला हो गया था, इसको बनाएंगे, ओनली शर्ट इज ट्राउजर बोल रहा है ओनली। अब देखिए दोस्तों यहां पर ओनली वाला केस आ जाता है, ओनली वाले में भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो चलो ओनली वाले को भी आज देख ही लेते हैं भाई कि क्या है। ओनली शर्ट इज ट्राउजर बोला है, ओनली शर्ट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ शर्ट ही ट्राउजर होगा, इसके अलावा और कोई भी ट्राउजर नहीं हो सकता, समझ जाना इस बात को भाई। क्या बोला है, ओनली शर्ट इज ट्राउजर, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शर्ट ही ट्राउजर हो सकता है और कोई भी ट्राउजर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ओनली शर्ट इज ट्राउजर, सिर्फ और सिर्फ शर्ट जो है वही ट्राउजर होगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं दोस्तों, इसका भी तरीका बताता हूं। ओनली को यहां से काट दो, यहां पर ऑल लगा दो और उल्टा पढ़ लो, ऑल ट्राउजर इज शर्ट। ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूं भाई, देखना नहीं है इसमें, सॉल्व करते समय इसको मत देखना ऐसे, लेकिन ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा देख सकते हो कि ओनली को हटा दो, लास्ट में ऑल लगा दो और उल्टा पढ़ लो, ऑल ट्राउजर इज शर्ट। ये देखो ऑल ट्राउजर इज शर्ट, तो ड्रॉ करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है सम शर्ट इज टी शर्ट, बोल रहा है कि सम शर्ट थोड़े से शर्ट जो है वो टी शर्ट है। आगे आपको बोल रहा था नो टी शर्ट इज पैंट, कोई भी टी शर्ट जो है वो पैंट नहीं है। तो यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है ऑल ट्राउजर बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे के पूरे ट्राउजर जो है वो टी शर्ट हो सकते हैं, क्या पूरे ट्राउजर टी शर्ट के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते भाई, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई, जब आपको बोला है ओनली शर्ट इज ट्राउजर, सिर्फ शर्ट ही ट्राउजर हो सकता है, तो ट्राउजर को आप टी शर्ट के अंदर कैसे ले जा सकते हो, जब बोला है ना भाई ओनली शर्ट इज ट्राउजर, मतलब सिर्फ शर्ट ही ट्राउजर आपको दिखना चाहिए, तो आप इसको ट्राउजर को टी शर्ट के अंदर कैसे ले जा सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो गलत हो गया ये। अगला देखो सम शर्ट इज नॉट पैंट, थोड़े से शर्ट ऐसे हैं जो पैंट नहीं है, बिल्कुल ये देखो भाई शर्ट का ये वाला जो पोर्शन था ये वाला पैंट के अंदर नहीं जा सकता, मतलब ट्रू, तो ओनली टू आपका आंसर बनेगा, ओनली टू आपका आंसर बनेगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं भाई इसका, ये देखो ओनली टू आपका इसका आंसर बनेगा। तो बाकी के दो क्वेश्चन दोस्तों सिंपल हैं, ठीक है, तो ये वाले सिंपल हैं इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को मैं खत्म करूंगा, कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्द, दो चार दिन कम से कम रुककर, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, दिन में कभी भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। अगर सिलॉजिसम अच्छा आपको करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं भूलना है, तो 10 से ज़्यादा सिलॉजिसम की प्रैक्टिस एक दिन में मत करो, वरना बहुत कन्फ्यूजन आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची है वो भी मैं नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आपका जो भी कंसेप्ट है सिलॉजिसम का पूरा क्लियर हो जाएगा, ओनली अ फ्यू ओनली का, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, ये सेशन जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, तो इसके नीचे आप लोगों को कमेंट्स सेक्शन 10 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आप मेंशन करिएगा 15 मिनट बाद, अभी नहीं चैट में, ठीक है, 15 मिनट के बाद सेशन खत्म होने के आप चैट में कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना है रीजनिंग का, ठीक है, तो जो भी ज़्यादा वहां पर कमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक के ऊपर, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आऊँगा वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए, पजल छोड़कर यार, पजल तो होते ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों कल आप लोगों की फ्री क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर, बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी कल, क्योंकि कल मेरी कोई प्लस क्लास नहीं है, परसों भी मेरी कोई प्लस क्लास नहीं है, तो सैटरडे संडे कोशिश करेंगे हम कम से कम 5-7 घंटे की क्लास करें फ्री क्लासेस, तो जरूर अटेंड करिएगा। फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाओगे तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसमें कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा BC10,
ये कौन सा कोड है, ये अनलॉक कोड है। फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा फ्री प्लान को, तो ये कोड का इस्तेमाल करके आप अनलॉक कर लीजिएगा। कल की क्लासेस के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप सर्च कीजिएगा बैंकिंग क्रॉनिकल, इस चैनल का नाम आप देख लीजिएगा, सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल दिखेगा जिसमें 83,000-84,000 के आसपास मेंबर्स हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 83,000 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो ऐसा 1,000-2,000 वाला ज्वाइन मत कर लेना, फर्जी ग्रुप हैं सब, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप लोगों को हर क्लास की वहां पर मिल जाती है, जो फ्री क्लासेस अन अकेडमी पर होती है उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाती है, तो पुरानी क्लासेस की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए इसको टेलीग्राम को और उसमें सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर दोस्तों आप अगर मेरे पेड कोर्सेज देखना चाहते हैं अन अकेडमी प्लस पर, तो इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इसके लिए भी सेम कोड है दोस्तों डिस्काउंट के लिए,